वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक, मैं और अलगिल और आप देख रहे हैं कॉमन सेंस। अब वक्त हुआ हमारे दूसरे सवाल का, और पहला सवाल आपने देखा कितने मजे का था, लेकिन वो थोड़ा मुश्किल भी था। लेकिन ये सवाल मेरा ख्याल है बहुत ही आसान है। मैं कोशिश करता हूँ कि आसान आसान सवाल लाऊं ताकि आप लोग आराम से उसको जो है उसका जवाब दे सकें। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आसान से आसान सवाल के भी जवाब नहीं दे पाते, पता नहीं क्या चक्कर है। क्योंकि मैं कहता हूँ लोग सारे कॉमन है, लेकिन सेंस कोई कोई यूज़ करता है। ये सही बात है, आपको मेरे शो के जरिए पता चल जाता होगा कितने लोग सेंस यूज़ करते हैं, कितने लोग सेंस यूज़ नहीं करते। मैं आज मौजूद हूँ पोर्ट ग्रैंड में, यहाँ पे जितने कॉमन लोग आए हैं उनका सेंस चेक करने, और देखते हैं कि लोग क्या जवाब देते हैं। आज का जो हमारा दूसरा सवाल है बहुत मज़ेदार है, क्योंकि मैंने सुना है यहाँ पर शायद कोई मैंगो फेस्टिवल भी चल रहा है, तो मैंने कहा शायद एक फल से सवाल रखते हैं। तो सवाल ये है कि ऐसा कौन सा फल है जो कि कोई इंसान नहीं खा सकता, ऐसा कौन सा फल है जो कि कोई इंसान नहीं खा सकता, चाहे वो कुछ भी कर ले। तो लोगों के पास जाते हैं और देखते हैं कि इसका क्या जवाब देते हैं, और जितने कॉमन लोग हैं वो अपना सेंस कैसे यूज़ करते हैं, और यहाँ पे आए हुए हैं तो सिर्फ खाने पीने में उनका दिमाग है या कुछ कहीं और भी चल रहा है। आ जाएं, कैसी चीज़ है, कैसा फल है जो कि कोई खा नहीं सकता, कौन सा है वो जो कोई खा नहीं सकता? आजकल बहुत बिक रहा है, ऐसा फल तो नहीं है मेरे ख्याल में। कोई भी नहीं खा सकता, मतलब इंसान नहीं खा सकता? इंसान की बात कर रहा हूँ, अखबारों में आजकल बड़ी उसकी चर्चे आ रहे हैं। अबे नहीं यार, आजकल हम न्यूज़ से थोड़े से आउट हैं। फल तो इंसान हर खाता है, जो भी हो फल, वो ऐसे घास के अलावा तो हर फल खाते हैं। जंगल में ही होगा, हमें तो नहीं पता। आई डोंट नो इसके बारे में तो। मुझे तो सही, थोड़ा आई डोंट नो बोलना बहुत आसान होता है, सोचना थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन कर लें। वो फल हमने देखा है, मतलब यहाँ होता है? सर बहुत मुश्किल सवाल कर रहे हैं आप, कुछ थोड़ा सा ऐसा हो ना कि फल तो फल के बेसिकली मीनिंग्स यही होते हैं कि आप खाने पीने की चीज़ होती है फल। आई डोंट नो, सॉरी। थोड़ा तो सोचो। इंसान नहीं खा सकता, रियली आई डोंट नो। कुछ करें, कोई मैजिक वैजिक करें, टोपी भी आपने ऐसी पहनी। वो फल जो कोई इंसान नहीं खा सकता, आम। गुस्सा। गुस्सा कौन सा फल होता है? नहीं खा सकता फल, ये कॉमन सेंस नहीं है, नॉट कॉमन सेंस। पाइनएप्पल ये हम सब खाते हैं। आई डोंट नो, मुझे भी याद पता नहीं, आई डोंट नो। अच्छा फल, ऐसा कौन सा फल? आजकल अखबार में बहुत छप रही है उसकी तस्वीरें। बेवकूफी का फल। बार में आजकल तस्वीर आ रही है उसकी। तस्वीर वाले फल नहीं खा सकता, जाहिर सी बात है, और कौन सा? पता नहीं कौन सा है, हमें तो पता नहीं कौन सा है फल। वो सारे फल इंसान खाते हैं, और कौन सा फल है ना जो नहीं खा सकता? नहीं खा सकता कौन सा फल है भाई? मुझे तो याद नहीं आ रहा। नहीं याद? नहीं आ रहा। अनिल जी ने याद नहीं आ रहा, किसी और से पूछते हैं जिनका दिमाग चल रहा है, उनको याद आ जाए कैसा कौन सा फल है जो कि इंसान नहीं खा सकता। आ जाए उजाला, ऐसा कौन सा फल है जो इंसान नहीं खा सकता? कोई आपकी मदद नहीं करेगा, मुझे ऐसा लग रहा है। पता नहीं, नहीं पता। वो जो बता रहे हैं ये नहीं सही बता रहे? नहीं पता। सोच लें। सोच लिया। एक बार फिर सोच लिया। फिर सोच लिया। नहीं, ऐसा कौन सा फल हो सकता है सर? नहीं आया ही। इंसान नहीं खा सकता, बहुत मुश्किल है सर। क्लास 5 की उर्दू की एक चैप्टर है, उर्दू की किताब में उसमें लिखा हुआ। अच्छा, नो आइडिया। कॉमन सेंस इज नॉट रियली वेरी कॉमन। अच्छा, कहाँ सुना आपने? ये तो कॉमन चीज़ है। अपने आपको इंसान नहीं समझते या फल नहीं खा सकते? बताओ कौन सा फल है? आप सोचे ना, मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ। वाटरमेलन। हाँ, ये कॉमन सेंस है। कॉमन सेंस अगर आपके पास है तो जवाब दे देंगे। ये कॉमन सेंस का क्वेश्चन नहीं है। मैं बताऊंगा ना एंड में कैसे। आप सोचें सही, कौन सा फल है जो इंसान नहीं खाता? वही अली, नहीं पता। बेवकूफी का ही फल लग रहा मुझे तो। यार ऐसा तो कुछ हमें पता ही नहीं जो आप बोल रहे हैं फल के। बिल्कुल नहीं पता। नहीं यार, कभी नहीं देखा फल तो। नहीं, ऐसा तो कभी नहीं देखा। नहीं देखा नहीं। आपको क्या लगता है? मैंने तो देखा नहीं, इसलिए बोल रहा हूं। कौन सा है फिर आप बता दो। आप बता दें फिर, तुम तो सोचो। यार मुझे तो दिमाग में बात ही नहीं आ रहा है कौन सा फल है जो आप बोल रहे हैं। बहुत मुश्किल है। अनिल जी कह रहे हैं बहुत मुश्किल है, किसी और के पास जाते हैं और देखते हैं कि उनको आसान लगता है या नहीं लगता। कॉमन चीज़ या अनिल जी ये कह रहे हैं बड़ी कॉमन चीज़ है, कॉमन सेंस इज नॉट वेरी कॉमन। तो हम चलते हैं किसी और के पास और देखते हैं कि उसके पास जवाब है या नहीं है। अरे कौन सा इंसान है जो वाटरमेलन नहीं खा सकता? पूरा वाटरमेलन नहीं खा सकता ना? खा सकता। कॉमन सेंस है लेकिन यूज़ नहीं किया कभी। अभी कर लेना थोड़ा सा। तो नहीं कर सकता ना। क्यों?
देखें आप फल का तो कुछ नहीं पता, बहरहाल सवर का फल जो है वो बहुत कम लोग खा रहे हैं आजकल। अच्छा जी हाँ, बाकी जो फल है तो सभी फल दस्तयाब हैं आपको, जो है ना जो गर्मियों वाले हैं वो सर्दियों में मिल जाएंगे, मतलब सर्दियों वाले गर्मियों में मिल जाएंगे, ऐसा कोई फल नहीं है कि जो इस वक्त ना हो। क्या आपका नाम क्या? मुख्तियार अली। मुख्तियार अली साहब का दिमाग चल रहा है और ये कह रहे हैं सबर का फल जो है नहीं खा सकते, और बिल्कुल सही बात है, सबर का फल कोई नहीं खा सकता, वो सिर्फ मिलता है। ऐसा कौन सा फल है जो कि कोई इंसान नहीं खा सकता? सबर का फल। सबर का फल नहीं पता। नहीं पता, इनको भी नहीं पता, जितने यहाँ लोग मुझे मिल रहे हैं किसी को भी नहीं पता, सिर्फ एक अंकल को पता था, किसी और से पूछते हैं। सबर का फल और क्या? पहले जो इन्होंने बनाया था सबर का फल, वो बिल्कुल सही जवाब है, सही बाकी यहाँ पे जितने लोग हैं पता नहीं क्या क्या जवाब हैं। आ जाए, सबर का फल भी बंदा खाता ही है ना जब मिल जाता है उसको? नहीं खा सकता ना, उसको खा ही नहीं सकता, सिर्फ मिलता है वो। मिलता है, खा नहीं सकता। ये कह रही है सबर का फल एक ऐसा फल है जो कि इंसान खा नहीं सकता, और जो कि बिल्कुल दुरुस्त बात है। आ जाए। तो ये था हमारा आज का दूसरा सवाल, उम्मीद करते हैं कि ये भी आपको पसंद आएगा, और ये सवाल बहुत ही आसान था और मेरे ख्याल है कि सारे लोगों को पता होना चाहिए था, लेकिन वो अपना दिमाग ज़्यादा यूज़ नहीं करते, पता नहीं क्या मसला है कि कॉमन सेंस इज नॉट वेरी कॉमन, ये तो मैं बोलता आ रहा हूँ और ये मुझे जो है एक्सपीरियंस भी हो रहा है कि लोग जो है कॉमन सेंस बिल्कुल यूज़ नहीं करते। तो आज का जो हमारा दूसरा सवाल था वो ये था कि ऐसा कौन सा फल है जो कि कोई इंसान नहीं खा सकता, या कोई भी नहीं खा सकता। तो इसकी सिंपल सा जवाब है कि सबर का फल एक ऐसा फल है जो कि कोई इंसान नहीं खा सकता, वो सिर्फ आपको मिलता है, उसको खाने के लिए नहीं होता, मतलब फिजिकल खाने के लिए नहीं होता, मिलता है आपको। तो यही इसका जवाब है और कोई रॉकेट साइंस नहीं है, लेकिन लोग पता नहीं क्या क्या सोचते हैं, अपने जवाब देते हैं तो उसमें फिर फंस जाते हैं। खैर वक्त हुआ ब्रेक का, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले मैं आपको बता दूँ, अगर आपके पास कोई भी कॉमन सेंस का सवाल है तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं, हमारा ईमेल एड्रेस आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, उसके साथ साथ आप हमें फेसबुक पर भी ज्वाइन कर सकते हैं और अपने सवाल दे सकते हैं ताकि वो मैं अपने प्रोग्राम में ऐड कर लूँ और हमारा प्रोग्राम और अच्छे से अच्छा हो जाए। तो मैं जा रहा हूँ ब्रेक पर, जब हम वापस आएंगे तो हम पूछेंगे हमारा टंग ट्विस्टर। आ जाएंगे